नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख अपडेट को लेकर यहां पर हम करेंगे डिस्कस। उत्तर प्रदेश भर्ती अपडेट, यूपी ट्रिपल एससी करने वाला है एक और भर्ती, पदों पर भर्ती का प्रस्ताव यहां पर भेज दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी को और जल्द ही यहां पर इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलने वाला है। तो डिटेल में हम इस पूरे अपडेट को डिस्कस करेंगे। क्या है पूरा अपडेट उसके बारे में हम बात करेंगे। निकायों में 455 खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा। पूरा अपडेट क्या है कि कुल कितने पद हैं यहाँ पर, अधिशासी अधिकारी के 204 पद हैं, राजस्व के 24 पद हैं, जेई सिविल के 80 पद हैं, जेई जल के 111 पद हैं, जेई विद्युत यांत्रिक के 18 और लेखा परीक्षा के यहाँ पर जो है 18 पद हैं। यूपी ट्रिपल एससी करेगा भर्ती, आवेदन होंगे ऑनलाइन। तो निकायों में रिक्त पदों पर भर्ती यूपी ट्रिपल एससी आयोग करेगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद में इसे आयोग की वेबसाइट पर यहाँ पर देखा जा सकेगा। इसके साथ ही हिंदी और अखबारों यानी कि अंग्रेजी अखबारों में भी इसका विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी के लिए ऑनलाइन आवेदन यहां पर इसका लेगा और इसके लिए आवेदकों को आवेदन के यानी आवेदन करेंगे और बाद में उनको संशोधन का भी समय यहां पर दिया जाएगा। पूरा अपडेट क्या है यहां पर, क्या है कि निकायों में अधिशासी अधिकारी और अभियंता बनने की युवाओं की चाहत पूरी होने वाली है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने ईओ के 204 पद, जेई के 209 पदों समेत 455 पदों का प्रस्ताव यहां पर भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया है और यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने इन पदों के विज्ञापन को निकाल कर 6 महीने में भर्ती पूरी करने की तैयारी में वो यहां पर जुट गया है। जल्दी पूरी करें प्रक्रिया, यानी कि प्रदेश में मौजूदा समय 490 नगर पंचायतें हैं और इनमें से 204 नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी के पद खाली है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए और जिससे जरूरत के आधार पर निकायों में ईओ की तैनाती की जा सके। और स्थिति यह है कि जरूरत के अनुसार अधिशासी अधिकारियों के न होने की वजह से अधिकारियों को दो दो नगर पंचायतों की जिम्मेदारी यहां पर उठानी पड़ रही है। तो ये काफ़ी एक अच्छी खबर है कि यहां पर 455 पद हैं जिन पे कि जल्द ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा क्योंकि इसका प्रस्ताव आयोग को जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किसकी क्या योग्यता है। तो अधिशासी अधिकारी के लिए स्नातक के साथ ओ लेवल में कंप्यूटर कोर्स की यहाँ पर अनिवार्यता होगा। ओ लेवल कंप्यूटर की अनिवार्यता पहली बार की गई है। निकाय निदेशालय का मानना है कि ऑनलाइन काम के लिए कंप्यूटर की जानकारी जरूरी है। जेई पदों पर भर्ती के लिए डिप्लोमा वाले पात्र यहाँ पर माने जाएंगे। राजस्व निरीक्षक और लेखा परीक्षा के बीकॉम वाले पात्र माने जाएंगे और भर्ती के लिए 21 से 40 साल की आयु वाले पात्र होंगे और व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर जो आयु सीमा है उसमें छूट भी मिलेगा और आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए कि 455 पदों पर ये आपकी भर्ती आने वाली यूपी ट्रिपल एससी को यहाँ पर कराने वाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।